Awesome President Kruger, and no police allowed in Saban. What do you think you're doing? Pushing him off like that. I told him this was the house of President Kruger, sir. No coolies allowed on this pavement. Are you all right, Mr. Gundy? Yes. Do you know who this is? This man is a barrister. A man of a very high status. Such men should be taught a lesson. Why didn't you take him to court? I'll be glad to testify. Well, no, I don't wish to charge him. He was only following orders. All colored men are the same to him. Did you hear that? Sorry, sir. I was only doing my duty, sir. That was a very Christian act, Mr. Gundy. Is forgiveness a Christian monopoly, Mr. Baker? Salanta Yapsit. Once again, I welcome you all in the Rajasthan International Film Festival Season 5. हमारा जो फेस्टिवल है वो एक थीम बेस्ड फेस्टिवल होता है, जैसा कि आप सभी को मालूम है. पहला हमारा जो थीम था वो था कॉमन मैन इन सिनेमा, दूसरा था विलेज वर्सेस ग्लोबल विलेज, तीसरा था न्यू टेक्निक्स इन सिनेमा, फोर्थ था वुमेनहुड इन सिनेमा, और इस बार महात्मा ऑन सेलुलॉइड. थीम अवार्ड जो हम देते हैं वो एक फिल्म को या एक ऐसी शख्सियत को दिया जाता है जो कि इस थीम को रिलेवेंट करती है. तो जो कॉमन मैन इन सिनेमा, तो हमें नहीं लगता कि ओम पुरी जी के अलावा कोई कॉमन मैन इन सिनेमा हमें सबसे पहले नज़र आया, जो कि हमारा पहला अवार्ड था. दूसरा था टीनू आनंद जी के लिए, क्योंकि उनकी फिल्मों का जो डायरेक्शन था वो विलेज से उठ के ग्लोबल विलेज तक आया था, ये हम सभी जानते हैं. तीसरा था न्यू टेक्निक्स इन सिनेमा, बाहुबली ने उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया. चौथा था नन अदर देन आहना गुमरा, वुमेनहुड इन सिनेमा. और आज का जो हमारा थीम है महात्मा ऑन सेलुलॉइड, तो वी हैव रजत जी हमारे साथ हैं. सो Rajit sir, I would like to invite you on stage once again, please. The making of Mahatma, एक सफर पूरा था श्याम बेनेगल के साथ आपका. तो दो मिनट में चाहूंगी कि ये जो जिया आपने उस वक्त महात्मा को, वो कैसी फीलिंग थी, और क्योंकि हम उस चीज को एक बार फिर से रिवाइव करना चाहते हैं इस फेस्टिवल के माध्यम से. एक्चुअली जब ये फिल्म बन रही थी तो मैं मेन लीड रोल नहीं कर रहा था. एक रेवोल्यूशनरी था काचल्या करके कैरेक्टर जो मैंने भरा था. फिर एक दिन श्याम बाबू के ऑफिस से फ़ोन आया कि मेकअप टेस्ट के लिए आ जाओ. मुझे तब भी लगा कि काचल्या का मेकअप टेस्ट हो रहा है. तो फिर उन्होंने अजीब सी चीज़ें मेरे चेहरे के साथ करने की कोशिश की. मेरे कान के पीछे वैक्स भर दिए खड़े करने के लिए, नाक के अंदर वैक्स भर दी, मेरा क्लेफ्ट है यहाँ पर उसको भर दिया. तो तब मुझे पता लगा कि ये लीड रोल का टेस्ट हो रहा है, और जो शख्सियत लीड रोल कर रहे थे वो अब नहीं कर रहे हैं. फिर भी बड़े बड़े कलाकार थे जिनके मेकअप टेस्ट हुए जा रहे थे, परेश रावल, अन्नू कपूर, दे वर अबाउट 6 ऑफ अस. तो मैं तो टेस्ट करके वहाँ से निकल गया. एक हफ्ते के बाद श्याम बाबू का फोन आया, हे चम, यू आर डूइंग द लीड इन माई फिल्म, आई से. एंड दैट वॉज इट. देर वॉज नो टाइम. वो मार्च का महीना था, इसे जून में हम जा रहे हैं, तो ये किताब आके ले जा मुझसे. My experiments with truth, and that was my Bible for playing the role, and that's how it happened. I would like to request Ms. Sumita ji. ये हमारा राजस्थान की आन बान शान. और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है. मेकिंग ऑफ महात्मा मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म रही है मेरे करियर में. इट्स अ टर्निंग पॉइंट, एंड हैविंग गॉट द नेशनल अवार्ड फॉर इट, इट्स अ मूवी दैट्स बीन शोन ऑन टेलीविजन मेनी टाइम्स. हालांकि इसको पर्दे पर इसकी रिलीज़ कुछ खास नहीं थी, लेकिन आज भी ये एक फिल्म उदाहरण के तौर पर बताई जाती है महात्मा जी को लेकर. जो है कि रिफ के ज़रिए जो इतनी सारी इंटरनेशनल फिल्म्स जो लोगों को देखने के लिए मिल रही हैं, यही एक फेस्टिवल की खूबी है, एंड दैट शुड कंटिन्यू.